इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब ये भी देना होगा ना, तो मुझे लगता है वो अंजलि के जो फैंस हो, कहीं ना कहीं मुनव्वर और अंजलि के अगर फैंस है तो उन्हें मुनव्वर और अंजलि को किस चीज़ में खुशी मिल रही है वो ज़रा देख कर देखना चाहिए। इट्स लाइक हम लोग कहीं तो मिले पहली बार, बट धीरे धीरे हम बात करना शुरू किए। इट्स लाइक अ वन ईयर, हम एक साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो अभी तक जो कुछ भी रहा है बहुत खूबसूरत रहा और आगे भी इंशाल्लाह रहे। भाई सुनील पाल भाई को कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं जनता को बोलना चाहूँगा, सुनील भाई का इंस्टाग्राम एकदम नीचे नीचे जाओ और पुराना देखो, अब मैंने बंद कर दिया एक साल से देखना। एक साल के पहला वाला देखो, इतना क्रिंज मटेरियल आदमी डालता है, इतने गंदे जोक डालता है ये आदमी, तुम जाके ज़रा देखो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा महसूस हो रहा है जो स्टार्ट से लेकर अब तक का जो आपका सफर है, अभी क्या डिफरेंट महसूस हो रहा है? डिफरेंट यही महसूस होता है कि जहाँ दो लोग जानते जहाँ दस लोग जानते, और अच्छी फीलिंग है कि लोगों तक मैं इतनी इस हद तक पहुंच पाया, 24/7 लोग मुझे देख पाए लाइव, और लोगों ने मुझे एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन देखा था और उसके अलावा भी लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया, तो ये बहुत खुशी की बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं नॉर्मल हूँ, मतलब ये ग्राउंडेड रहना, ग्राउंडेड तब आदमी रहता है जब आदमी बहुत ऊपर हो, तो हम ऊपर नहीं थे, हम यहीं थे, तो ग्राउंडेड हमारे पास चॉइस नहीं थी, वो ग्राउंडेड थे। तो अभी भी मुझे यही लगता है कि वो है, वो आदतें बन चुकी है इतने साल की, तो मैं ग्राउंडेड इसलिए था क्योंकि मैं ग्राउंडेड ही था। अभी बिल गेट्स ग्राउंडेड रहेगा तो बोल सकते कि हाँ वो बहुत ग्राउंडेड है, तो मैं कुछ था तो नहीं। तो अभी अब है कि अगर अब ग्राउंडेड रहता हूँ तो है, बाकी अभी अगर हमको भी शोहरत का नशा चढ़ गया और हो गया थोड़ा हाई फाई तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। बट बात वही है कि जो आदतें हैं, ये आदतें सबसे पुरानी आदत है कि अगर मैं जैसे रहता हूँ, मुझे जैसी चीज़ें पसंद है ये वो वैसी ही रहेगी सेम, क्योंकि वो मैं नहीं बदलना चाहता। क्योंकि मैं अपने आप को एज अ आर्टिस्ट देता हूँ, कॉन्टेंट क्रिएटर देखता हूँ, कि मैं जो कॉन्टेंट है वो देखो वो मज़ेदार है, बाकी मेरी जो लाइफ है उसमें मैं आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहता कपड़े वैसे पहन के या वैसा करके, वो तो मुझे जो खुशी मिलती है मैं वही करने वाला हूँ। हाँ ऑब्वियसली वो इसमें दुख की कोई बात भी नहीं थी, वो अपनी हाँ वो उनकी जगह से उनका वही कंसर्न था, मुझे पता चला कि तेरे और उसके वोट बट रहे हैं, कि तेरे फैंस उसको वोट कर रहे हैं, तो आंटी जी ऐसा नहीं होता है, फैंस तो फैंस खुद उसी को वोट करते बट उन्हें ऐसा लगा भी होगा तो उसके ऊपर उनका जो ये ओपिनियन था, इट्स लाइक ऑब्वियस है वो, उसमें कोई इट्स नॉट अ बिग डील। जेल के अंदर उसे पता है सब कुछ, हाँ मुझे उसका जो रिलेशन उसके बारे में पता था और हमने शो पे उस बारे में बहुत बार बात की है। क्या बात कर रहे हो, आपने लाइव ठीक से देखा नहीं लगता है। हाँ तो हमने वो बारे में बात की है, वैसा कुछ नहीं छुपा हुआ, कुछ भी नहीं। वो उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन है ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो अब वो थोड़ा अपसेट तो होंगे, बट कोई बात नहीं, वो उन्हें खुश होना चाहिए कि अंजलि जिसके साथ साल इतने टाइम से है उसके साथ है। और मैंने आकाश को मिला नहीं हूँ कभी, पर मैंने फ़ोटोज़ देखे, वो बहुत हैंडसम है, बहुत बढ़िया दिखता है, तो मुझे लगता है वो अंजलि के जो फैंस हो, कहीं ना कहीं मुनव्वर और अंजलि के अगर फैंस है तो उन्हें मुनव्वर और अंजलि
आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है वो जरा देख कर देखना चाहिए। तो अभी और दो फैन पेजेस उनको बनाने चाहिए, एक आकाश के उसके लिए और ये भी, तो आई थिंक ये करना चाहिए। फैंस लोग का काम सपोर्ट करना होना चाहिए। मैं भी सुना, मैंने कब बताया, मैंने सुना कि मैंने भी सुना कि ऐसा सब हो रहा है, देखते हैं पता चलेगा कुछ होगा तो आगे पता थोड़ी है, मैं जा रहा हूँ अभी तक कंफर्म थोड़ी है। खबरें तो बहुत आ रही है। तो आपने घर के अंदर मतलब सॉलिटरी के अंदर जो बोला था कि स्कोप लगाने से लेकर स्कोप पर गिराने तक जो है और के सारे शो बनाए, तो क्या आप और के शो में नजर आ सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं आ सकता, मुझे अच्छा कंटेंट जैसे स्क्रिप्ट टाइट स्क्रिप्ट हो या क्वालिटी कंटेंट हो या बढ़िया जो हो, और ऑल्ट पे बहुत सारे शोज ऐसे भी है जो काफ़ी हिट है और अच्छे वे में लोगों ने देखे हैं। तो मेरा जो जॉनर है वो ऑल्ट से थोड़ा डिफरेंट है, ऑल्ट जैसे शोज बनाते हैं, मैंने एक बार बोला भी था कि ऑल्ट और बालाजी में टेलीफिल्म्स में यही फ़र्क है कि उन लोगों ने झूला झुलाने से लेके हिलाने वालों तक तो सबका ख्याल रखा है, तो इस तरह की चीज़ें मैं ऑलवेज फील करता हूँ। बट डेफिनेटली कभी भी ऑल्ट के साथ काम करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले करना पसंद करूँगा। जी हाँ हाँ मुनाज मैंने देखा हैशटैग मुनाज हाँ अभी तो बहुत टाइम है, इट्स लाइक 6 मंथ वी आर डेटिंग, तो अभी तो वो सब चीज़ों को बहुत टाइम है और अभी तो काम भी बहुत कुछ करना है, तो बस ऑडियंस प्यार बहुत भेज रही है और बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है, तो बस। और तो आपकी रिलेशनशिप को लेकर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपकी स्टोरी जो लव स्टोरी है वो कहां से शुरू हुई, मतलब कब आप पहली बार मिले? इट्स लाइक हम लोग कहीं तो मिले पहली बार, बट धीरे धीरे हम बात करना शुरू किए, इट्स लाइक अ 1 ईयर, हम एक साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो अभी तक जो कुछ भी रहा है बहुत खूबसूरत रहा और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। भाई सुनील पाल भाई को कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं जनता को बोलना चाहूँगा, सुनील भाई का इंस्टाग्राम एकदम नीचे नीचे जाओ और पुराना देखो, अब मैंने बंद कर दिया एक साल से देखना, एक साल के पहला वाला देखो, इतना क्रिंज मटेरियल आदमी डालता है, इतने गंदे जोक डालता है आदमी, तुम जाके ज़रा देखो व्यू आ जाएंगे, चलो अब व्यू आ जाएंगे, वाह सुनील भाई भाई खुश हो जाओ, चलो शाउट आउट दे दिया तुम्हारे को, बट नहीं वो देखो तुम्हारे को रियलाइज़ होगा बहुत क्रिंज मटेरियल डालते भाई, पहले फनी थे वो और अच्छा भी करते थे, बट आगे बढ़े ना, हम आगे बढ़े हैं, पहले हेलोजन आती थी बहुत बड़ी, अभी तुम लोग ये LED लगाए ना बढ़िया वाली, तो टाइम के साथ चेंज हुआ है चीज़ें। अब वो कोई नहीं, लाखों लोग इतना प्यार भेज रहे और मैं कहाँ इस चीज़ के पीछे पड़ू गया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं अपनी जो भी एनर्जी है, मैं अपने जो भी दिमाग में थॉट्स है ये मैं सारे इन्वेस्ट अपने फैंस फॉलोअर्स पे करना चाहता हूँ, उनको ही मेरा अटेंशन मिले इस वक्त, तो आई एम डूइंग दैट। बहुत सारी शायरियाँ मैंने बोल दी फैंस को ऑलरेडी, तो सारी शायरियाँ तो अभी जो पुरानी शायरियाँ मेरे को याद भी नहीं है, तो सेम ही शायरियाँ हर इंटरव्यू में सुनेंगे और फैंस लोग भी बोर हो जाएंगे, तो अब अच्छा ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने एक लाइन लिखा था बहुत पहले और उस पर मैंने रैप भी बनाया था, इनकी नफ़रत का बहाना बन गया हूँ, हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। थैंक यू सो मच मुनव्वर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अब ये भी देना होगा ना